फिर हेरा फेरी को लेकर हुई है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। हाय, दिस इज मी मनु एंड यू आर वाचिंग बुगल बॉलीवुड। मूवी फिर हेरा फेरी, इसका अगले सीक्वल के लिए लोग कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके सीक्वल को लेकर कोई अपडेट ही नहीं सामने आ रहा था। लेकिन जैसे इसको लेकर कोई अपडेट सामने आई तो फैंस में एक्साइटमेंट की लहर और तेज हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस मूवी के नेक्स्ट सीक्वल की, तो उसकी शूटिंग चल रही थी, लेकिन अब प्रिया दर्शन पर लगे हैं कुछ गहरे इल्जाम, यानी वो लगाए हैं फिरोज नाडियाडवाला ने, जो कि फिल्म का हिस्सा है और प्रिया दर्शन भी उस फिल्म का हिस्सा है एज अ डायरेक्टर। और अगर हम बात करें फिरोज नाडियाडवाला की, तो वो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। तो मूवी के प्रोड्यूसर का कहना है कि डायरेक्टर ने मूवी को बीच में ही छोड़ दिया और उसके बाद वो मूवी के सेट पर एज रेगुलर बेस अवेलेबल भी नहीं होते थे। और इवन दो डायरेक्टर का मानना तो ये था कि सुनील, अक्षय और परेश रावल इस मूवी के नेक्स्ट सीक्वल के लिए बिल्कुल भी अच्छा किरदार नहीं निभा पाएंगे, और वो तो इतना भी नहीं कर पाए कि मूवी के प्लेबैक सिंगिंग में शामिल होना। तो अगर हम बात करते हैं फिरोज की और आगे की वर्डिंग्स की, तो फिरोज का कहना ये था कि मूवी में इतने सारे डिप्रेसिंग सीन्स डाल दिए गए थे कि जिसके बाद ये मूवी एक कॉमेडी जॉनर की मूवी लग ही नहीं रही थी। और उसके बाद मेकर्स और प्रोड्यूसर ने मिलकर इस मूवी में काफी सारे रोमांटिक और कॉमेडी सीन्स को इन्वॉल्व किया है, जिसके बाद ये मूवी थोड़ी हंसमुख वाली मूवी लग रही है। अदरवाइज ये मूवी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लग रही थी और किसी भी एंगल से फिर हेरा फेरी 2 यानी फिर हेरा फेरी का सीक्वल लग ही नहीं रहा था। लेकिन अभी तक इस पर प्रिया दर्शन का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, तो देखना होगा कि मूवी के डायरेक्टर कब तक अपनी कोई स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, तो या फिर मीडिया से इस बारे में कब बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले पर हमें जरूर बताइएगा, और बॉलीवुड की हर एक टॉप अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल, जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।